उपचुनाव में बीजेपी का नया सियासी प्रयोग, मुस्लिम चेहरे पर खेल सकती है दाव। मुख्तार गैंग का सहयोगी शाहिद गिरफ्तार, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी ने की सूचना विभाग की बैठक, सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक हुई खत्म। शाहजहांपुर में युवक ने नदी में कूद कर आत्महत्या की, पत्नी से विवाद के बाद नहीं नदी में कूदा युवक। कानपुर में उद्घाटन के पहले ही जल गई मंडपम की मोटर, जल भराव की समस्या निदान बना सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल आजकल पैसे के लालच में ज्यादातर नौनिहालों की जिंदगी से खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पड़ताल में सामने आया है, जहां अलीगढ़ के कई स्कूलों में अग्निशमन विभाग के एनओसी न मिलने की जानकारी मिली थी। इसी के चलते जब अलीगढ़ बीएसए से जानकारी की गई तो रामघाट रोड के एक नामचीन स्कूल सेंट फिडेस के पास अलीगढ़ बीएसए कार्यालय से मान्यता न होने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि सेंट फिडेलिस स्कूल पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी आज तक स्कूल प्रबंधन ने मान्यता लेना उचित नहीं समझा। जो हैं उनके अग्निशमन यंत्र की जो मानक थे, जो तय सीमा थी, उससे अधिक में वो चल रहे हैं और उनको उसका रिन्यूअल कराना था, सही कराना था, नहीं कराए हैं। अभी रामघाट पर सेंट फ्रेडिस स्कूल के बारे में मुझे संज्ञान में आया है कि वो बिना मान्यता के चल रहा है। कक्षा 1 से 8 तक की उसकी मान्यताएँ नहीं हैं। हमने अपने अभिलेखों में भी परीक्षण कराया तो ये पता चला कि उनको नोटिस दी गई, उनकी मान्यता नहीं है और मान्यता के लिए जहाँ नौनिहालों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, ये ताजा मामला अब अलीगढ़ से सामने आ रहा है, जहां मान्यता न प्राप्त होने से बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वही सेंट फिडेलिस स्कूल पिछले कई सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मान्यता नहीं प्राप्त है। कौशाम्बी जिले के चाल तहसील में तैनात एसडीएम के पेशकार और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का वकीलों ने आरोप लगाया है और वकीलों ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि चाल तहसील में एसडीएम के पेशकार और इसके अलावा तहसीलदार पर फाइलों के निस्तारण में रिश्वतखोरी से नाराज वकील तहसील में पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वकील एसडीएम के पेशकार धारा यादव और इसके अलावा तहसीलदार पुष्पेंद्र गौतम पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही वकीलों ने मुकदमे की फाइलें पेंडिंग करने और इसके अलावा दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी का गंभीर आरोप लगाया है। वही चाल तहसील में समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम मधुसूदन हुलगी को वकीलों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद डीएम के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया और डीएम ने 1 सप्ताह में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फाइल पेंडिंग करते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको उनसे काम और अनैतिक व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं अधिवक्ताओं के साथ, अपने चैम्बर से जो है अपमानित करके भगा देते हैं। और एसडीएम के पेशकार धारा बाबू, धारा पेशकार जो है वो भी यही व्यवहार जैसे तहसीलदार करते हैं उसी तरह का व्यवहार उनका अधिवक्ताओं के साथ है। कोई काम नहीं करते, फाइलों को जबरन निरस्त करवा देते हैं, जिसमें पैसा ये लोग नहीं पाते हैं उसको जो है खारिज करवा देते हैं। तमाम फाइलें मतलब पीओ को जानकारी नहीं हो पाती, वो पीओ को बताएंगे, पीओ उनको बताएंगे, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम करते हैं। नुकसान वादकारियों को होता है, जनता को होता है, परेशान बीच में अधिवक्ता होता है।